नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा राज्य की भाषा और साहित्य से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। और भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न लगभग 300 के करीब हैं, तो इन्हें हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं पहले 100 के करीब क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुदड़ी के लाल पुस्तक किसने लिखी? मदन गोपाल शास्त्री। अस्तित्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मंजीत शर्मा मीरा। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक किसने लिखी? श्रीनिवास वत्स ने। रत्नावली के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन। मुकदमा ए शेरो शायरी किसने लिखी है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंदबरदाई। सूर्य सत्कम के लेखक थे मयूर। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस स्थान से है? पानीपत से। सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म हुआ था हिसार में। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास हैं? कविता जैन। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभानु हंस। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत। हरियाणा में सांग या संवाक का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? किशन लाल भट्ट। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्ता। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? स्वदेश दीपक। हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तुलसीदास शर्मा दिनेश। हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक जिंद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलन करता है गौरी पराशर जोशी और अजीत जोशी। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्र का जन्म। जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? श्रीधर। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? पंजाबी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का बर्तू ढूंढियो किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया? हिंदी। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? साधु निश्चल दास। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन हैं? भाई संतोख सिंह। लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सूरज का सफ़र। इधर भी गधे उधर भी गधे हैं कविता किसने लिखी है? ओम प्रकाश आदित्य। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास शर्मा दिनेश। लघु कथाओं के एक संग्रह जिन खोजा तीन पाइया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की है? लीलाधर दुखी। उस कवि का नाम बताइए जो एक क्रिकेट कोच भी हैं? नरेंद्र गुलिया। किस लेखक ने हाल ही में आई फिल्म दंगल में एक भूमिका निभाई थी? जगबीर राठी। एक आयुर्विज्ञान चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कवि का नाम बताएं? श्याम सखा श्याम। हरियाणा के जाट अक्सर किस रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरियां बनाने के लिए जाने जाते हैं? नीली। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरियां बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है?
जाट, शिकवा ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, रण निमंत्रण कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, खुशीराम शर्मा। हरियाणा के किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, सिरसा। खाट के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, धन सिंह। हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन हैं, पी पी सिंगल। तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक हैं अमृत लाल मदान। शिव शंभू के चिट्ठे और खतः बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है, बालमुकुंद गुप्त। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी, जोगिंदर सिंह कमल। किसने अशोका इन एंशियंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जोन ऑफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता था, नयन ज्योत लाहड़ी। बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है, छठी नृत्य। हरियाणा में घोड़ा और खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, विवाह। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है, ब्रह्मी लिपि। हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है, सूचना एवं जनसंपर्क। संदेश पत्रिका का आरंभ करने वाले पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 को। हरियाणा में हाल ही में हर्षिता दहिया की हत्या हुई, वे क्या थी, एक गायिका थी। नकुल दिग्विजय रचना में किस शहर का उल्लेख है, रोहतक। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है, रोहतक से। कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है, हर्षचरित। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, महाभारत। सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे, हिसार में। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है, श्रृंगार। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है, भिवानी। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। बालमुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है, साहित्य सृजन, पत्रकारिता और स्वतंत्रता सेनानी। उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी है, काव्य लेखन। पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी। मीरा, मतवाली और भगत भारती किसके द्वारा रचित काव्यात्मक कृतियाँ हैं, तुलसीदास शर्मा, दिनेश। युद्ध चरित्र का लेखन किसने किया, खुशीराम शर्मा ने। रघुवंश और कुमार संभवम किसकी कृतियां हैं, कालिदास। किस नृत्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डफ नृत्य। साहित्य लहर किसकी साहित्य कृति है, सूरदास। हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, भाई परमानंद। चंद बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है, पृथ्वीराज रासो। जसवंत सिंह तोहनवी ने अपना अंशदान किसमें किया है, हरियाणा रंगमंच। विष्णु प्रभाकर क्या थे, हिंदी लेखक। संवाग एक लोक नाटक की जड़ें कहां तक खोज निकाली जा सकती हैं, किशनलाल भट्ट। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहां हुआ था, अंबाला। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन कहां किया जाता है, झज्जर और महेंद्रगढ़। मंजीरा लोक नृत्य में कौन से उपकरण बजाए जाते हैं, नगाड़ा, डफली, मंजीरा। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था, स्कंद पुराण। चीनी सैलानी हयान तसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है, थानेश्वर। भारतीय श्रोताओं का परिचय उर्दू काव्य शायरी से किसने करवाया था, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। दामन कुर्ती और चंद्र हरियाणा में किसकी पोशाक हैं, महिला। जाल और मुक्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, हेमराज निर्गम। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है, वामन पुराण। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है, माजीम निकी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है, भगवद गीता।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है, उसका नाम है माजिम निकी और दिव्यावदान। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? चंद्रावल, जो वर्ष 1984 में प्रदर्शित हुई थी। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है? गायिका। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुमेर चंद। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था? पंचकुला। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण कहाँ संचालित हुआ? इंद्रधनुष ऑडिटोरियम। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण का प्रारंभ कब हुआ? 17 मार्च 2017 को। हरियाणा साहित्य संगम के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण का समारोह कितने दिन चला? 3 दिन। दयाचंद मैना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्तित्व पर आधारित है? सुभाष चंद्र बोस। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद। हरियाणवी चलचित्र चंद्रावल में मुख्य भूमिका किसने की थी? जगत जाखड़ और उषा शर्मा। हरियाणा राज्य में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है? खंडवा। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ था? हिसार में। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य को क्या कहते हैं जो वीरता बलिदान और हास्य की मिथकी और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है? संवाग या सांग। प्रसिद्ध फीचर फिल्म चंद्रावल किस वर्ष प्रदर्शित की गई? वर्ष 1984 में। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया हरियाणा राज्य की भाषा, साहित्य, संगीत, लोक कला, लोक नाट्य, लोकगीत, फिल्में और सामाजिक जीवन से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।